इस वीडियो में मैं बताऊंगा एप्पल आईडी पासवर्ड आप कैसे रीसेट कर सकते हो विदाउट वेटिंग, ठीक है। तो फिर बहुत सारी यूज़र मुझे बोल रहे थे कि उसका एप्पल आईडी पासवर्ड जो है भूल गया है पासवर्ड, उसके बाद जो है चेंज नहीं कर पा रहा है एप्पल, उसे बोल रहे हैं कि कुछ दिन वेट करना है, एक महीने तक वेट करना है, उसके बाद ही एप्पल आईडी पासवर्ड जो है चेंज हो सकता है। तो फिर उसे सॉल्व करने के लिए आपको पहले जाना है सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जो आपका जो नेम है यहाँ पर सो वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो फाइंड माई आईफोन है उस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जो है फाइंड माई आईफोन अगर आपका ऑन है तो फिर इसे आपको जो है टर्न ऑफ कर लेना है। टर्न ऑफ कर लेने के बाद आपको इस तरीके से जो है एप्पल आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पर डालने के लिए बोलेगा। तो फिर आप यहाँ पे पासवर्ड आपको दो तीन बार गलत डाल देना है इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से आपको दो तीन बार आपको इस तरीके से गलत डाल देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दो बार करने से ही मुझे यहाँ पे रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आ गया है। उसके बाद आपको रीसेट पासवर्ड पे जाना है और यहाँ पे आपको जो आपका फ़ोन नंबर है यहाँ पर डाल देना है, और डालने के बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उसको डालने के बाद आपको जो है पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो फिर मैं अभी ये नहीं करना चाहता हूँ, ये आप कर सकते हो, 100% कन्फर्म है, ये मेरे साथ भी हुआ था। और मैं इस तरीके से फाइंड माई आईफोन को मैंने टर्न ऑफ करके मेरा आईफोन का पासवर्ड जो है मैंने चेंज किया था, ठीक है। तो फिर वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अगर पसंद आया आपको तो भी ज़रूर लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो भी नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।